आप इस चीज को समझ जाना, टफ क्वेश्चन एडवांस का नहीं होता। लिटरली ये एक मेथोडोलॉजी बन गई है कि टफ क्वेश्चन लगा रहे हैं तो एडवांस की तैयारी हो रही है। जिनके दिमाग में ये चीज है, आप बहुत गलत तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एडवांस की तैयारी टफ नहीं है। ये नहीं कि आप सिर्फ टफ क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आप एडवांस सीख रहे, नहीं, आप आसान क्वेश्चन से भी एडवांस के क्वेश्चन करते हैं, आप मीडियम क्वेश्चन से भी एडवांस के क्वेश्चन करते हैं, आप नो डाउट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से भी एडवांस के क्वेश्चन करते हैं। एडवांस का क्वेश्चन डज नॉट मींस कि इट इज टफ। एडवांस का क्वेश्चन मींस कि आपके बेसिक्स आपके स्ट्रांग हैं या नहीं। क्या वो छोटी छोटी चीजें ही मैटर कर रही हैं। आप जबरदस्ती देखो, एक होती है ओलंपियाड की तैयारी और एक होती है जेई एडवांस की तैयारी। लोगों को अब आज की डेट में क्या है ना, क्योंकि आप नेट पे इजीली टफ क्वेश्चंस देख देखते हैं, है ना, तो आपको जनरली लगने लगता है कि यार ये टफ क्वेश्चन ये भी एडवांस का ही होगा। हो सकता है आ जाए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, हो सकता है आ जाए, कई बार ओलंपियाड के क्वेश्चन भी एडवांस में आए हैं, लेकिन क्या सारे क्वेश्चन वैसे आएंगे, ये बात नहीं है। आपका उस क्वेश्चन में जो ओलंपियाड का क्वेश्चन होगा, हो सकता है उस क्वेश्चन में आपके बेसिक्स इतने अच्छे से होने चाहिए थे तभी आपका वो क्वेश्चन होता, इसलिए वो एडवांस में आ गया। उनकी डेप्थ एनालिसिस अलग होती है, जेई एडवांस में कंसेप्चुअली आपको चेक किया जाता है। आप एक कॉम्पिटिशन दे रहे हैं जेई एडवांस को, तो आपको उसकी प्रायोरिटी भी समझ आनी पड़ी। ठीक है।